यूपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जिलों में स्पेशल पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं। हर जिले में शांति समिति की बैठक आयोजित तो अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। वेस्ट यूपी के संवेदनशील इलाकों में शासन प्रशासन अलर्ट और आईजी ज्योति नारायण को बुलंदशहर हापुड़ की कमान सौंपी गई है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। गगन, दिल्ली के बाद अब यूपी में भी हाई अलर्ट? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जब से चाहे वो दिल्ली में हुए हिंसा की बात करें या फिर अलीगढ़ की हिंसा की बात करें, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल रहे। इसको लेकर पहले डीजीपी मुख्यालय सभी जिलों के कप्तान को, जो खासकर दिल्ली के निकटतम जिले हैं जिसमें मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद, संभल, बागपत, इन सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए गए कि सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, सोशल मीडिया पर नज़र रखे रहें, अफवाह उड़ाने वालों को का खंडन करें और जो अफवाह उड़ाते हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फोर्स की अगर पड़ती है ज़रूरत तो वो भी डीजीपी मुख्यालय से मांग सकते हैं और डीजीपी मुख्यालय निकटतम जिले से पीएसी जो बटालियन होगी वो उनको एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करेगी। लेकिन उसके बाद देर शाम कल डीजीपी मुख्यालय से जो एडीजी एक रैंक के और आईजी रैंक के अधिकारी हैं उनको एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो लखनऊ में बैठ के ही या फिर वहाँ पर जिले में जाकर वो जो शांति व्यवस्था बहाल रखनी है, साथ ही साथ जो सीए को लेकर अलग अलग इलाकों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर बिल्कुल नजर गड़ाए रखने को कह दिया गया है। और एक एक एडीजी अधिकारी, एडीजी रैंक का या आईजी रैंक का अधिकारी जो पश्चिम के खासकर जिले हैं, चाहे वो रामपुर हो, संभल हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो या गाजियाबाद हो, नोएडा हो, वहाँ पर नज़र बनाए रखने को कहा गया है। जो भी किसी भी प्रकार की अगर कमी है वहाँ पर फोर्स की, वो फोर्स डीजीपी मुख्यालय से मांग सकते हैं, क्योंकि डीजीपी मुख्यालय और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर कि दिल्ली में जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से रविवार को हिंसा हुई है वहाँ पर भीम आर्मी के लोगों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भीम आर्मी का संगठन काफ़ी मजबूत है, तो वो मजबूत संगठन कहीं दिल्ली के लिए कुछ ना कर पाए या दिल्ली के जो आसपास जिले हैं, सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा ना कर पाए। साथ ही साथ सीए को जो लेकर अलीगढ़ में और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हालांकि शांति रूप से प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर। गगन लौटूंगी आपके पास, बने रहे।